भाई टाइम देख लो, 7:30 बज रहे हैं और मेरे पास ऑर्डर आ चुका है 481 रुपये का गुड़गांव का। तो चलो करते हैं भाई जाके पिकअप, और यहाँ से कर रहे हैं ये पिकअप मुझे गरम काटा। हाँ भाई भी हो गया। हाँ भाई चैनल दिल्ली जोनून। तो चलते हैं गाइस, और टाइमिंग की बात करें, देखो टाइमिंग जो इसने दिखाई है भाई 1 घंटा 56 मिनट, और किलोमीटर की बात करूँ तो भाई इसने दिखाया 50 किलोमीटर। तो यहाँ कर रहा है हमें ड्रॉप, और वो करके आते हैं इसको यहाँ से ड्रॉप, हमें यहाँ करना है ड्रॉप 301। वेलकम मैम। तो वही राइड करते हैं हम कंप्लीट, और वह जो ये है कैश इनका, ये ऑनलाइन है जो अमाउंट है, तो ये वो कैश क्रेडिट जी हो और राइड हो गई अपनी कंप्लीट। तो पार्सल कर दिया हमने ड्रॉप, और यहाँ से निकल लेते हैं भाई, तो यहाँ ऑर्डर नहीं आ पाएगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से भी आ सकता है पर यहाँ पे चांस कम है। तो भाई देखो मेरे पास ओला पे एक राइड आ चुकी है, 56 रुपये की राइड है भाई ये, और जिसकी पिकअप लोकेशन देखो भाई 240 मीटर, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। OTP बता दो भाई। OTP के साथ कर दी भाई हमने कंप्लीट। OTP बता दो भाई। 4-7-6 बना दे क्या? लोकेशन तो यहीं की है भाई, यहीं पे दिखा रहा था वो, अंदर ही दिखा रहा है, पीछे की दिखा रहा है वहाँ की। फिफ्टी फाइव हो गया। तो ये राइड हो गई अपनी कंप्लीट। और वजह वो मेरे पास जब मैं राइड पे था तो मेरे पास पोर्टर पे भी एक राइड आ गई थी 76 रुपीज़ की, और भाई ये देखो अब देखो कितने किलोमीटर बन गया, 5 किलोमीटर पिकअप लोकेशन भाई। और देखता हूँ ड्रॉप कहाँ करना है, अगर आसपास में कोई ड्रॉप करना हो तो चला जाऊँगा, नहीं मैं जाऊँगा भाई 57 में से ही पिकअप करना, और 57 में छोड़ना है भाई। चले जाते हैं भाई, अब क्या करें, जाना पड़ेगा। कोई पार्सल कर लिया हमने पिकअप, और ट्रिप करते हैं भाई हम स्टार्ट। देखते हैं भाई 1.6 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी 1.5 किलोमीटर भाई ड्रॉप लोकेशन। तो भाई देखो मेरे पास ओला पे भी एक राइड आ चुकी है, और इसकी पिकअप लोकेशन देख लेते हैं कितने की है, 550। और भाई पोर्टर पे तो मेरे पास पार्सल है ही है, तो दोनों को वहीं पे ड्रॉप करना आसपास में, तो चलते हैं भाई पहले ओला। हेलो OTP बता दो, OTP बता दो, OTP 0603।
बैठ जाओ भाई। हेलो payment will be paid online. Please do not accept cash or personal UPI. तो ये रहा हमारा अपनी कंप्लीट। अब उसको देखते हैं भाई कितनी अर्निंग हुई है हमारी। ये 36 रुपए की राइड थी। तो भाई देखो इस राइड में 36 रुपए की अर्निंग हुई है मेरी। और अपोर्टर वाली राइड देख लेते हैं कितने किलोमीटर रह गए यहाँ से, क्योंकि वो भी सेक्टर 57 की थी। तो भाई देखो ओनली 500 मीटर रह गए, तो वो चलते हैं भाई। तो जब भाई मैंने उठाई थी वो 1.7 किलोमीटर दिखा रहा था, 6.7 किलोमीटर। तो भाई देखो भाई वो खड़े हैं वहाँ पे, उनको करना है मेरे को ड्रॉप पार्सल। तो भाई राइड करते हैं हम कंप्लीट। राइड हो गई अपनी कंप्लीट भाई। और भाई देखो 76 रुपीस की राइड थी और भाई ने क्या करा, 140 रुपये दे दिए भाई एक्स्ट्रा ट्रिप। जैसे आया था वैसे वापस जाना पड़ेगा मुझे। ₹85 की राइड आ रही है भाई देखो ओला पे, उठा लेते हैं भाई इसको हम। क्या करे, पोर्टर तो हमें राइड दे नहीं रहा है, इस पर ही राइड कर लेते हैं है ना। यहाँ से करना है कस्टमर को पिकअप, और मैं करता हूँ भाई कस्टमर को कॉल। अब भैया ओला बुक क्यों किया आपने? हाँ लोकेशन भी खड़ा हूँ भाई मैं, ओके। हाँ तो भाई भाई आ चुका है, शो करना भाई को पिकअप। ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई देखो मेरे पास आ गया रैपिडो पे एक राइड, और इसकी पिकअप लोकेशन देख लेते हैं भाई कितने की है। ओ भाई देखो 5 किलोमीटर पिकअप लोकेशन दिखा रहा है, बाकी अगर हम शॉर्टकट से जाएंगे, शॉर्टकट भी है भाई ये घुमा फिरा के दिखा रहा है। चलो चलते हैं भाई। देखो भाई कस्टमर का लोकेशन ही, मैंने कस्टमर के पास कॉल भी लाया तो तुरंत ही कैंसिल मार दिया भाई। देखो ये देखो ये है भाई नाइट का माहौल। तो भाई देखो मेरे पास आ गई 196 रुपये की राइड ओला पे, और भाई मैं जा रहा हूँ इसको पिकअप करने, कहीं बंदा कैंसिल ना मार दे। ओला पे यही होता है कि बंदा तुरंत ही कैंसिल मार देता कस्टमर, तो मैं जा रहा हूँ भाई तुरंत से ही पिकअप करने भाई को।
आपने बुक करी थी? OTP बता दो भाई। 26 96 93 93। सो ये मैंने यहाँ कॉल कर लिया, नहीं घुमा के दिखा रहा तुम्हारे लोकेशन। चाहिए चाहिए, दिल्ली के अंदर है, NCR में भी अलाउड है। तो 195 रुपीज़ की अर्निंग हो गई भाई मेरी इस राइड पे, मतलब 195। और भाई मैं अभी चलता हूँ घर पे, अब मैप लगा लेता हूँ अपने घर का। ये बहुत गलत, ये बहुत गलत सिस्टम है भाई। मेरा घर तो यहाँ से 45 किलोमीटर दिखा रही है। पाएंगे दोस्त, कहाँ जाना है? वसंत कुंज जाना ना? नहीं नहीं मैं तो है ना 100 रुपये दे दूंगा, ठीक है? 50 रुपये की राइड है। अच्छा ठीक है ठीक है, और मैं ही चला लूंगा। ना ना चला तो मैं ही लूंगा भाई। ठीक है तो फिर बताओ। चलो देखता हूँ भाई, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ भाई देखो मैं कहता हूँ मैं चला लूंगा। हमें ना हम बस थोड़ा सा घूमना चाहते हैं, फिर घूम के फिर वापिस इधर ही आ जाएंगे, हमें कहीं जाना नहीं है भाई। देखो गाड़ी तो मैं चलाऊंगा दोस्त, बाकी तुम्हें घुमाना घुमाना तो भाई तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, तुम्हें जहाँ जाना हो। नहीं दिक्कत मुझे नहीं है भाई, मैं तुम्हें जाके तुम्हें लोकेशन जा रखी है, मैं वहाँ तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, दिक्कत मुझे नहीं है। नहीं, तो ठीक 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 आ जाओ। तो भाई देखो कस्टमर क्या कह रहा है, तो भाई देखो कस्टमर का कहना क्या है कि एक काम करो आप, कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे घूमना है, और हम दो बंदे हैं, और हमें क्या करना है कि आप गाड़ी मुझे दे देना चलाने के लिए, और तुम पीछे बैठ जाना ठीक है, और तुम यहाँ पे आ जाओ पिकअप लोकेशन पे, और मैं राइड कैंसिल कर दूँ, मतलब राइड कैंसिल कर देना, और हम आपको 100 रुपये दे देंगे। तो भाई ऐसे लालच में मुझे नहीं आना, मैं भले ही राइड कैंसिल करना पसंद करूँगा, 100 रुपये के लालच में भाई हम गाड़ी थोड़ी देंगे किसी को। तो भाई हम अपने घर चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ये बेकार झंझट पाल रहा हूँ मैं। तो भाई देखो मेरे पास आ गई 64 रुपये की राइड ओला पे, और भाई को पिकअप करना है इंडिया गेट से, और ड्रॉप जो करना है वो पहाड़गंज। तो चलते हैं भाई, करते हैं भाई को जाके पिकअप। तो भाई देखो लोकेशन तो भाई की यहीं की है यार, ये भाई तो नहीं है। OTP बता दो भाई। 37 82। इंडिया गेट रात में खुला रहता है क्या? है? इंडिया गेट रात में खुला रहता है? तो रात में तो बंद रहता ना? पता नहीं। सेवेंटी वन
20 का तो था, ये कई बार मैंने खुल ही दी थी आप। कोई बात नहीं, और देखो भाई चार चार राइडर बैठे हैं वहाँ पे, देख रहे पर राइड ही नहीं इनके पास, क्या करें। अपन निकल रहे थे यहाँ से, तो भाई देखो मेरे पास ओला पे एक राइड आ गई और कस्टमर का कॉल भी आ गया। बता दो भाई 85-88। हाँ भाई क्या करें, हाँ सेफ्टी भी जरूरी है, हेलमेट की कोई जरूरत नहीं, चलो चलो कोई नहीं। चार्जिंग ऑटोमेटिक होती रहती, लगा रखा कुछ लगा रखी है, BX6 है ना इसमें, तो चार्जिंग की वजह से ये सिस्टम सही है, रात में टेंशन मिलते रहते ना उठाई। और भी बहुत सारी जो है दे दो, बाकी पेटीएम कर दो, कोई नहीं आप 200-200 पेटीएम कर दो। और भाई राइड करते हैं हम कंप्लीट, तो भाई देखो 180 रुपये की अर्निंग हो गई, और भाई आया था अपनी बंदी से मिलने, जिसको भाई को मैंने कह रहा भाई जल्दी जल्दी चलो, मैंने ठीक है भाई। हमारा भी थोड़ा फर्ज है यार, तो भाई देखो मेरे पास 135 रुपये की राइड आ गई है नवादा की, और ये जिसने बुक किया भाई इतनी सा नाम है इनका, चलते हैं भाई करते हैं पिकअप। मैडम की राइड आ गई मेरे पास, तो भाई ये है, इन मैडम को लेके जाना है मुझे। यस यस, OTP बता दो। बैठ जाओ, यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ भैया, एक सौ दस हो गए कंप्लीट। अर्निंग देखते इसको कितनी हो गई मेरी, 134 रुपये। तो भाई इस पे राइड में मेरी 134 रुपये की अर्निंग हो गई, जिसमें कि 110 रुपये मेरे को मैडम ने दिए, बाकी के जो बचे 24 रुपये मुझे ओला ने दिए। तो भाई देखो मेरे पास एक राइड आ गई सिमरन के नाम से रैपिडो पे, चलते हैं भाई इसके पिकअप लोकेशन पे। 230 मीटर, भाई वाह क्या बात है। OTP बता दो भाई।
6449। हेलो भाई, चलते हैं भाई। 21 किलोमीटर रोड में जब कितने दिखा रहा था? 225। तो 28 तो बड़े। अरे आज तो 28 बड़े, वैसे वैसे 270 हो जाते हैं। हैं मैं भगा के लाया हूँ ना आज गाड़ी। तो ये राइड करते हैं हम कंप्लीट। 250 रुपये आ गए हमारे पास, तो चलते हैं भाई घर पे। घर निकल लेते हैं भाई। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे और आज की अर्निंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और आज की अर्निंग की बात करें तो भाई 1564 रुपये की अर्निंग हुई है टोटल। अगर तेल का खर्चा निकाल के बात करूँ तो भाई 300 रुपये का पेट्रोल लग गया, 1264 रुपये की अर्निंग हुई है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो भाई इसमें 7 घंटे लग गए मेरे पूरे। और अगर गाड़ी की किलोमीटर की बात करूँ तो भाई 162 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।